चलिए अब आपको दिखाते हैं नागपुर डॉक्यूमेंट, राहुल सेट या ले। स्थापना दिवस के दिन रैली के लिए कांग्रेस ने नागपुर को चुना, वो नागपुर जो आरएसएस का गढ़ माना जाता है। नागपुर में कांग्रेस ने रैली से लोकसभा चुनाव के लिए शंखनाद भी कर दिया। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं ने नागपुर के मंच से हुंकार भरी। इससे साफ है कि राहुल गांधी कांग्रेस और देश को यह संदेश देना चाहते हैं कि तीन राज्यों में मिली हार के बाद भी पार्टी का कॉन्फिडेंस हाई है और वो 2024 के चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आप और हम मिलकर पूरे हिंदुस्तान में चुनाव जीतने जा रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए ये राहुल गांधी की ललकार है। उनकी विचारधारा राजाओं की विचारधारा है। ऑर्डर ऊपर से आएगा, आपको ऑर्डर का पालन करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी में आवाज नीचे से आती है। हमारा छोटा सा छोटा कार्यकर्ता हमारे किसी भी नेता को टोक सकता है। कांग्रेस की ये रैली पूरे देश में सुर्खियां बन गई, क्योंकि आरएसएस के गढ़ से राहुल ने भरी हुंकार है। इंडिपेंडेंट से पहले आप यहां आते हिंदुस्तान की जनता के कोई अधिकार नहीं थे, महिलाओं के कोई अधिकार नहीं थे, दलितों को छुआ नहीं जाता था। ये आरएसएस की विचारधारा है और एक बार फिर ये हिंदुस्तान को वापस ले जाना चाह रहे हैं। जिस मैदान में कांग्रेस की एक मेगा रैली का आयोजन किया गया, उस ग्राउंड का नाम कांग्रेस ने भारत जोड़ो ग्राउंड रखा। और खास बात यह है कि महाराष्ट्र के जिस मैदान में कांग्रेस ने अपने 139वें स्थापना दिवस के दिन लाखों लोगों की भीड़ जुटाई, वहां से आरएसएस का मुख्यालय सिर्फ 6.5 किलोमीटर दूर है। ये जो हो रही है रैली कांग्रेस की, कैसे देखते हो? सर, मैं इसमें रोज देख रहा हूँ और न्यूज में भी देखता हूँ, और अपन को कांग्रेस ही होना। अच्छा, आप कांग्रेस से ही हो? हाँ, अपन हमेशा देते हारे या जीते, अपन को एक ही मत होना, कांग्रेस बस। अच्छा, ऐसी क्या बात है कांग्रेस? क्योंकि अपन आज से हमारे जो बुजुर्ग लोग है वो हमेशा कांग्रेस से ही इंटरेस्ट लिए, बाकी अपन को कोई चीज से मतलब नहीं है। 10 सालों से तो सत्ता में ही नहीं है। नहीं है तो जान दो, उम्मीद से आशा से आसमान टेका है, अपन तो उसके नीचे है। ये पक्के कांग्रेसी हैं और ये जिस उम्मीद से है शायद यही उम्मीद कांग्रेस को भी है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? राहुल सर। राहुल जी, ये बड़ी रैली हो रही है कांग्रेस की जी, हाँ। तो क्या देखते हैं आप, क्या फायदा होगा कांग्रेस पार्टी? होना तो चाहिए सर, परिवर्तन बहुत जरूरी है। लोगों के मन में सवाल है कि राहुल गांधी ने रैली के लिए आखिर नागपुर को ही क्यों चुना। क्या राहुल गांधी ये बताना चाहते हैं कि वो आरएसएस के गढ़ में घुसकर चुनाव के लिए चुनौती दे रहे हैं? देखिए, नागपुर चुनने की सबसे बड़ी वजह तो यही है कि राहुल गांधी का लंबे समय से निशाना जो रहता है वो भारतीय जनता पार्टी से भी पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर रहता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है, वो उनकी जमीन है, और वहां जाकर राहुल गांधी एक तरह से कहें कि चुनौती देना चाहते हैं। बार बार वो कहते हैं कि और कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ये लड़ाई सिर्फ मैं लड़ रहा हूं। अब लेकिन सवाल यहां यही है कि एक सामाजिक संगठन से पूरी तरह पर जो एक राजनीतिक दल है वो लड़ाई लड़ेगा तो उसका कितना परिणाम मिलेगा, ये जरूर प्रश्न होगा। लेकिन उनके जाने की सबसे बड़ी वजह वहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय होना है। हालांकि एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेन्द्र कुमार ने जब कांग्रेस के नेताओं से बात की तो उन्होंने साफ कहा कि नागपुर किसी और का नहीं बल्कि कांग्रेस का गढ़ है। एक तो ये गढ़ कांग्रेस का है, कुछ होता है ठीक है, कोई तानाशाह आता है, थोड़ा सा दरवाजे को तोड़ के अंदर घुसने की कोशिश करता है, बस इतना ही मैं समझते हैं। नागपुर में सिर्फ आरएसएस का मुख्यालय ही नहीं है, नागपुर में ऐतिहासिक स्थल दीक्षा भूमि भी है। दीक्षा भूमि में ही
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया था। नागपुर से लोकसभा चुनाव के कैंपेन का आगाज कांग्रेस की चुनावी रणनीति का खास हिस्सा माना जा रहा है। कांग्रेस संदेश दे रही है कि वो वहां से चोट करना चाहती है जहां से बीजेपी के लिए एजेंडा तय होता है, और बीजेपी इसका अपने ही अंदाज में जवाब भी दे रही है। उनकी थीम थी है तैयार हम, लेकिन नागपुर विदर्भ के लोगों ने बताया हम तैयार नहीं है, और इस रैली के लिए तेलंगाना से भी लोग उन्होंने लाए थे, बावजूद उसके वो कुर्सियां नहीं भर पाए। तो मुझे लगता है कि जब राहुल गांधी को लोग सीरियसली लेने को तैयार नहीं है, तो हम क्यों उसके ऊपर सीरियस होकर कोई सवाल जवाब करें। राहुल गांधी का ये नागपुर डॉक्यूमेंट कितनी लंबी लकीर खींच पाता है, इसके लिए तो काफी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि नागपुर का चुनाव करके कांग्रेस अपने कैडर का मनोबल बढ़ाने में जरूर कामयाब हुई है। और जब जब कांग्रेस ने नागपुर से किसी चीज का आगाज किया है, उसको हासिल किया है। ये कांग्रेस की खासियत रही है। आप इसे योगायोग कहिए या और कुछ कहिए, लेकिन कांग्रेस ने जब यहाँ से आगाज किया, पहले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का रिजोल्यूशन यहाँ पास हुआ, अंग्रेजों को जाना पड़ा, पहली राष्ट्रीय मूवमेंट। नागपुर को कांग्रेस अपना गढ़ क्यों बता रही है वो समझिए। 1952 से लेकर अब तक नागपुर लोकसभा सीट पर 18 बार चुनाव हुए हैं, और इनमें से 13 बार कांग्रेस की जीत हुई है। बीजेपी ने 3 बार नागपुर लोकसभा सीट पर चुनाव जीता है। दरअसल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में लगातार 2 बार नितिन गडकरी के जीत दर्ज करने के बाद नागपुर बीजेपी का गढ़ माना जाने लगा। वो शहर नागपुर ही था जब इमरजेंसी के ठीक बाद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रैली की थी, और विदर्भ रीजन की सारी सीटें कांग्रेस ने जीत ली थी। ये भूमिका इतिहास विदर्भ का, ये कांग्रेस को हमेशा तकलीफ के वक्त साथ देने वाला इतिहास रहा है। यह भूमि में महात्मा जी का सबसे ज्यादा समय बापू कुटी सेवाग्राम में गुजरा है। 1936 में महात्मा गांधी जी विदर्भ में आए थे, और 1942 में भारत छोड़ो का नारा अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी ने इसी भूमि पर दिया था, यह विदर्भ के भूमि पर दिया था। कांग्रेस नेताओं की माने तो नागपुर से 2024 के चुनावी कैंपेन का आगाज करने के पीछे सिर्फ आरएसएस फैक्टर नहीं है। दरअसल कांग्रेस महाराष्ट्र के इस हिस्से को यानी विदर्भ को मजबूत करना चाहती है, जो कभी उसकी बड़ी ताकत हुआ करती थी। लोकसभा चुनाव के लिए नागपुर चुना गया क्योंकि यूपी के बाद महाराष्ट्र वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं। 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र को कांग्रेस और मजबूत करना चाहती है। ABP News आपको रखे आगे।